एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी की सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपने उसको पूरा पढ़ लिया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट को फुल डिटेल में। ये जो चैप्टर है, मैं आपको स्टार्ट करने से ये बता दूँ कि ये चैप्टर आप जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रही हूँ। और फर्स्ट चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम हाफ चैप्टर कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं पूरा NCERT से पढ़ा रही हूँ, जो आपकी नीट एग्ज़ाम जो है या फिर बायो से रिलेटेड जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे लाइक ICAR, हर एग्ज़ाम में कोई भी PNST, GNST, तो हर एग्ज़ाम में NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ और आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसके लिए तो ये है ही हेल्पफुल, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और लास्ट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है आफ्टर दिस वीडियो, तो जो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप मतलब आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपको पहले से पता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में ये देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, कि एक्चुअल में लाइफ स्पैन है क्या। तो मैं आपको बता दूँ लाइफ स्पैन क्या है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब जो इंडिविजुअल है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनकी जो बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है लाइफ स्पैन। ओके, तो ये है आपका लाइफ स्पैन। आई होप सबको समझ आ गया। जैसे कि हमारा बर्थ हुआ, उसके बाद हमारा लाइफ चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, सब कुछ चल रहा है, जब तक हमारी नेचुरल डेथ होती है तब तक का जो पूरा टाइम है वो होता है लाइफ स्पैन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनके मैंने लाइफ स्पैन यहाँ पर डाल रखे हैं कि कौन कौन से कुछ के और कुछ किसके नहीं डाल रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जिसमें मैंने जिसका मैंने लाइफ स्पैन नहीं डाला है उसका आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा। एलिफेंट का आपको बताना है, रोज़ का आपको बताना है कि क्या लाइफ स्पैन होता है, काऊ का क्या होता है, बटरफ्लाई का यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको 1 से लेकर 2 वीक्स तक का लाइफ स्पैन होता है बटरफ्लाई का। ओके, हॉर्स का आपको फाइंड आउट करना है, और फ्रूट फ्लाई राइस प्लांट का आपको, पैरट का होता है 140 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल जो छोटा है तो अगर उसका लाइफ स्पैन कम होगा और साइज़ में बड़ा है तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है। फिर आप देख को फाइंड आउट करना है कि बनियन ट्री का क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया आपको क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है। ओके, डॉग का आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सी टर्म्स थी कि एक्चुअल में लाइफ स्पैन क्या होता है और कुछ ऑर्गेनिज़म्स का लाइफ स्पैन क्या है। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्गेनिज़म का क्या लाइफ स्पैन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, इसकी डेफिनेशन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज़म्स गिव्स राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं जिसको, सिमिलर टू इट्सेल्फ। मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स जो है वो अपने ही जैसे एक यंग वन को, जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, को वो क्या करता है, जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, खुद प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को क्लासिफाई करा है दो टाइप्स में। अच्छा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि हाँ रिप्रोडक्शन है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसी की वजह से जो है अर्थ पे जो है आपके बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे क्या बनी हुई है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, ग्रो होता है, वो मैच्योर होता है, देन वो फिर से एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है।
तो इस एक तरीके का एक लाइफ साइकिल चल रहा है, क्या बर्थ हो रही है, ग्रोथ हो रही है एंड देन डेथ हो रही है, और उस ग्रोथ पीरियड में वो एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ भी दे रहा है, जन्म भी दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी जनरेशन चलती जा रही है। तो हर स्पीसीज की जो जनरेशन चलती जा रही है उसका रीज़न रिप्रोडक्शन ही है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो जनरेशन बाय जनरेशन स्पीसीज चल रही हैं वो नहीं चल पाती। ओके, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि ये जो टर्टल है या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक भी इंडिविजुअल नहीं बनेगा तो फिर उसकी जनरेशन को कौन बढ़ाएगा। ओके, तो ये इसका सिग्निफिकेंट है कि जो अर्थ पे इंडिविजुअल्स की स्पीसीज की जो कंटिन्यूएशन है उसका रीज़न है रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक तरीके का क्या है, एक लाइफ साइकिल है। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये टाइप्स रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे होता है, क्या अलग अलग टाइप से होता है या फिर सारे ही ऑर्गेनिजम्स सेम टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई तो किया है, लेकिन किस बेसिस पे? तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। मतलब किस बेसिस पे कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो कितने ऑर्गेनिज्म्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। मतलब ये है कि सपोज़ ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इस बेसिस पे। और दूसरा रिप्रोडक्शन है कि यहाँ पे दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग टाइप के। तो इस बेसिस पे हमने क्या करा है, इनको क्लासिफाई करा है। ओके, तो देखिए ये आपके रिप्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसको देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं आपके टू टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, ओनली सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा ये, ठीक है। और वो सिंगल पेरेंट्स ही क्या करेगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, देखो पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, विदाउट गैमेट भी कर सकता है और गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है। तो इस टाइप से जैसे नीट में क्या होता है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स आती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, कभी भी नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सिंगल पेरेंट विल पार्टिसिपेट और ये ही क्या करेगा, एक नया इंडिविजुअल देगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है, व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, इसको अंडरलाइन करना है, अपोजिट सेक्स होना चाहिए, ठीक है। जब अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करेगा तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहेंगे। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो दो इंडिविजुअल होंगे और दूसरा वहाँ पे क्या होगा कि दो इंडिविजुअल होंगे और दोनों में गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ये एक इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इसका गैमेट जो है वो मेल होना चाहिए, इसका जो है वो फीमेल होना चाहिए, दोनों सेम गैमेट्स नहीं होने चाहिए, मेल फीमेल, अपोजिट सेक्स कंपलसरी है, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगा तो उससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो नई ऑफस्प्रिंग होगी, लेकिन वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जैसे जो पेरेंट है उसने कोई ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर टू पेरेंट्स होगा, उसके पेरेंट्स जैसा होगा सेम। जैसे ये है ऑर्गेनिज्म और इसने रिप्रोडक्शन किया और उसने ये दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए सपोज़, तो ये दोनों सेम होंगे इसके जैसे, सेम से मतलब दिखने में भी, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी सेम होंगे। और दूसरा जेनेटिकली, मतलब इनका जो डीएनए आरएनए जो भी इनके अंदर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जब सेम होते हैं ऑफस्प्रिंग तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और ये इसकी
कैरेटस्टिक है, किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगी, और इस टर्म को बोलते हैं क्लोन। जब जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है कोई भी इंडिविजुअल तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। ओके, दूसरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल ऑर्गेनिजम्स, और जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे एनिमल और प्लांट्स में जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि जैसे सिंगल सेल वाला, मतलब एक सेल है उसमें न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है तो सिंगल हुआ ना, लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है उनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एग्जांपल देख लेते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो जो प्रोटिस्टस और मोनेरास जो होते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा होगा किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टस और मोनेरास। तो जो प्रोटिस्टस और मोनेरास होते हैं उनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस तरीके से होता है कि यहाँ क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड्स इंटू टू टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। पेरेंट जो है, जो पेरेंट सेल है वो खुद क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है वो खुद डिवाइड हो जाएगी, खुद पेरेंट सेल। ठीक है, कितने, टू इंडिविजुअल्स में, और न्यू इंडिविजुअल ये दो ऑफस्प्रिंग देगी वो, तो दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म सिंपल सेल डिवीजन ही तो हो रहा है, उनकी सेल खुद डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सिंपल उनका सेल डिवीजन ही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन हुआ वही उनका रिप्रोडक्शन है। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे ये ईस्ट का एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, ये आपकी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। देखो मैंने बोला था ना सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल, ये न्यूक्लियस, बस इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पेरेंट ईस्ट है, पेरेंट ईस्ट में क्या बनेगा, एक बर्ड बनेगा, छोटा सा आउटग्रोथ दिख रही है, बर्ड बना। ठीक है, अब जो वो बर्ड है उसके बाद, बर्ड बनने के बाद जो है उसका न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि नया जो बनेगा उसको भी न्यूक्लियस चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सॉरी बर्ड बन जाएगा, बर्ड में फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा मेन, और साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने के बाद इस तरीके से उसका एक न्यू डॉटर सेल बन जाएगी। ये देखिए बहुत सारे इससे, मतलब एक से बहुत सारे बर्ड्स बनेंगे और फिर छोटी छोटी डॉटर सेल बन जाएगी, तो ये चेन बन जाएगी एक पूरी, बहुत सारे बन जाएंगे। क्या हो रहा है, सेल ही तो डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टस एंड मोनेरास। प्रोटिस्टस और मोनेरास जो हैं वो बिल्कुल सिंपल बैक्टीरियाज, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, ये एग्जांपल देख लिया हमने, आगे देख लीजिए आप, ये आपके बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन भी आता है कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन। अगर क्वेश्चन आता है कि अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो असेक्सुअल, असेक्सुअल में किस टाइप का, बाइनरी फ्यूजन। किस तरीके से होगा बाइनरी फ्यूजन, कि ये आपका पेरेंट सेल है। ओके, पेरेंट सेल में पहले होगा न्यूक्लियस डिवाइड, ठीक है, वहाँ पे पहले बर्ड बन रहा था, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, अब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, इस तरीके से आपके बन गए दो अमीबा। तो सेल खुद ख़त्म हो गई और उसने दो ऑर्गेनिजम्स बना दिए। ठीक है, सेल डिवीजन ही हुआ है, तो ये बाइनरी फ्यूजन होता है। किसमें, अभी बाइनरी फ्यूजन मतलब एक सेल जो है बाय मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल बना देती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल जो प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी और प्लांट्स जो सिंपल वाले हैं उनमें किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई की भी बात करेंगे, किंगडम फंजाई और प्लांट, और प्लांट में सिर्फ एल्गी की। तो यहाँ पे होता है देखो जूस्पोर, ठीक है, और जूस्पोर क्या है, एक माइक्रोस्कोप मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि जूस्पोर्स क्या होता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है कि जूस्पोर जो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का नाम याद रखना कि किस में होता है। कॉनिडिया पेनिसिलम में होता है, गैम्यूल होता है स्पंजेस में, बर्ड्स हाइड्रा में। तो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, और ये सिंपल वाले जो एल्गी और जो फंजाई है उनमें होता है इस तरीके से। देखो आगे बता देती हूँ मैं आपको, ये आपका पेनिसिलम में है, इसमें कॉनिडिया बनते हैं, ये
एक कॉनिडा बनते हैं, ये मेन है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉनिडा फॉर्मेशन जो एसेक्सुअल टाइप है कॉनिडा, वो किस में होता है? और चार ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि पेनिसिलम में होता है कॉनिडा फॉर्मेशन, तो ये सेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये तो आपको याद ही रहेगा कि ये एसेक्सुअल का टाइप है। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, बर्ड्स इन हाइड्रा। तो बर्ड्स इन हाइड्रा में देखिए आप कि हाइड्रा में किस तरीके से बर्ड्स बनते हैं। ये पूरा एक हाइड्रा है, इसमें बर्ड बन, वो बिल्कुल ईस्ट जैसे, ये हाइड्रा में बर्ड बन गया, इसकी आउटग्रोथ हो गई, ये अपने आप को ग्रो करने लगा है पूरी तरीके से। जब मैच्योर कर लेगा, अकेला जी सकता है, तो फिर ये अलग हो जाएगा अपने पेरेंट्स से और खुद एक नया हाइड्रा बन जाएगा, फिर ये खुद भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, तो बर्ड्स बनते हैं इसमें। तो ये याद रखना, हाइड्रा में कौन सा एसेक्सुअल होता है? बर्ड्स फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद देखिए जू स्पोर्स इन क्ले माइडोमोनास। जो क्ले माइडोमोनास होता है उसमें जू स्पोर बनते हैं, ठीक है। जू स्पोर्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये जू स्पोर्स दिख रहा है आपको, ये पूरा पेरेंट था, अब धीरे से ये अपने आप की सेल को बर्स्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, इसमें छोटे छोटे से जू स्पोर्स पोर्स ही एक तरीके वो निकलते हैं, फिर ये भी खुद अब एक नए उसमें कन्वर्ट होकर नया क्ले माइडोमोनास बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, याद रखना आपको जू स्पोर किसमें होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किसका है? क्लेमाइडोमोनास का। गैम्यूल किसमें होते हैं? स्पंजेस में गैम्यूल फॉर्मेशन होते हैं, ये इस टाइप का गैम्यूल होता है, यही एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, तो गैम्यूल इन स्पंजेस। अब आ जाते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। देखिए फंजाई का देख लिया हमने कि फंजाई में कैसे होता है, मोनेरा में देख लिया, प्रोटिस्टा में देख लिया, वो आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, मैंने बोला था आपसे, है क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, अकरिंग इन प्लांट्स, लेकिन कहाँ हो रहा है? प्लांट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सिंपल सा। इन विच अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ए फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट। अब यहाँ पे ये पेरेंट है तो उसका छोटा सा पार्ट है, वो भी क्या करता है, एक रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसलिए बोला है फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर उसके ऊपर एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, पोटेटो में आइज होती है, जिंजर में राइजोम होते हैं, ब्रायोफिलियम बुलबिल, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आगे। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, देखो ये देखो आइज इन पोटेटो, ये तो देखी होगी सभी ने कि जो पोटेटो है उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम तक अगर उनमें थोड़ी सी नमी मिल जाए और रखे रहें तो ये इस तरीके से आइज बन जाती है, इन्हीं को बोलते हैं आइज, ठीक है। तो ये जो है इससे नया प्लांट बन जाएगा, जब आप उनको ज़मीन में भी हम ग्रो कराते हैं आलू को, तो इस तरीके से उनकी आइज से ही एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। तो पोटेटो में आइज होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जिंजर में राइजोम्स होते हैं, देखिए ये जहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा है वो राइजोम है, ठीक है। तो राइजोम्स जैसे, ये याद रखना आपको कि आइस किस में होती है? पोटेटो में, और जो राइजोम है वो किस में होते हैं? जिंजर में। फिर देखिए बुलबिल ऑफ एगेव, ये प्लांट होता है जिसमें एक ये जो ग्रो हो रहे हैं आपके, ये बुलबुल है, तो ये बुलबिल में से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, तो ये किस में होता है? ये सिर्फ नाम अलग है, सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही। तो ये आपको याद रखना है, बुलबुल में क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये बुलबिल है, BIL है, ओके। अगेव, उसके बाद लीफ बर्ड्स ऑफ बायोफिलम, ये देखिए बायोफिलम के जो लीफ है वो खुद बनाती है, तो ये इस तरीके के बर्ड्स होते हैं उसमें, ओके। तो ये ब्रायोफिलम में आपके क्या हैं, ब्रायोफिलम में बर्ड्स इस तरीके से ग्रो हो जाते हैं और उससे एक न्यू लीफ क्रिएट हो जाती है, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये लीफ के अंदर से लीव्स ग्रो होती है, ठीक है, उनको बर्ड्स ही बोलते हैं हम। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोडक्शन है। उसके बाद ऑफ शूट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ नाम सुना होगा आपने, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। एक्चुअली ये जो प्लांट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, और ये ग्रो कहाँ से होता है, ये इसकी ऑफ शूट से होता है, बता देती हूँ आपको, ये जो दिख रहा है आपको ये ऑफ शूट है, यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ऑफ शूट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
टाइप से। ओके ये देखिए, ये भी वाटर हाइसिंथ का स्ट्रक्चर है, ये इसका ही दिख रहा है, ये जो वाइट है ये आपका इसका ऑफ शूट है ये जो है। ओके तो ये हो गया आपका, ये स्पोर वाला है कि स्पोर्स, ये जो आपके स्पोर्स हैं ये बस्ट हो जाते हैं, यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं, फिर वो जो स्पोर्स हैं उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो के न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। ये कॉनिडिया है। ओके अब लास्ट में ये आपका हाफ चैप्टर हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ जो आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो इनका आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप खुद इंडिविजुअल आपकी जो नोट्स कॉपी बना रहे हो, मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप नोट्स बना लें वीडियो पोस्ट कर करके और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें, आप डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस लगाएं, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने अच्छे से डिस्कस किया है, आई होप आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे अपने आप को। वाई इज़ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा कि वाई इज़ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, कि हाइड्रा में, पेनिसिलम में और ईस्ट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये वही है जो मैंने बताया था आपको, हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलम में कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है, ईस्ट में भी बर्ड्स फॉर्मेशन होता है, ये बताना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल, कि आपकी एग्जांपल के साथ आपको रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन से हैं। वही बताना है इसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है कि कुछ और ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उस कोशिश करूँगी उसको इम्प्रूव करने की। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके थैंक यू।